हेलो एंड शालोम एवरीवन. जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और अगर आप एक ग्लूमी और सैड फेस के साथ अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं, आप जिंदगी काट रहे हैं. आज मैं आपके सामने पांच ऐसे रूल्स को शेयर करने जा रही हूँ जो आपके जीवन में आपकी जिंदगी को खुशनुमा बना देंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली जो है वो है रिजॉइस, आनंदित रहें हर समय. और आनंदित रहना कई बार ऐसा लगता है मुश्किल है, लेकिन यू कैन गेट स्टार्टेड विद वेयरिंग अ स्माइल ऑन योर फेस. अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट को रखें और जैसे आप अच्छे कपड़े पहनते हैं वैसे एक अच्छी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर हर समय बनाए रखें. हर समय फ्राउन करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फ्राउनिंग चेहरे को लोग खास पसंद नहीं करते. और जब आप किसी को स्माइल के साथ ग्रीट करेंगे तो दूसरा भी आपको स्माइल के साथ ग्रीट करेगा. सो लाइफ आपको ब्यूटीफुल लगनी शुरू हो जाएगी. दूसरी चीज, अप्रिशिएट अदर्स एंड कंप्लेन लेस. हर चीज में दूसरों को छोटी छोटी बातों में सराहना शुरू करें. हर चीज में गलतियां ढूंढने की कोशिश मत करें. जब आप दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और उनकी बातों को सराहेंगे, उनके कामों को, उनके एफर्ट्स को सराहेंगे, तो दे विल फील एनकरेज्ड टू डू समथिंग इवन बेटर फॉर यू. आपके लिए और अच्छा करने के लिए वो दे विल फील एनकरेज्ड टू डू दैट. तीसरा, धन्यवाद दें. गिव थैंक्स टू द लॉर्ड. परमेश्वर का हर समय आप धन्यवाद दें. अगर आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है तो आप खुद अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हैं. आप बताते हैं परमेश्वर को कि प्रभु जो भी आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मैं कंप्लेन लेस करता हूं. यानी कि जब आप परमेश्वर का धन्यवाद ज्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप हर चीज में कुड़कुड़ाएंगे कम. फोर्थ थिंग, कि आप अपने जीवन में हर चीज को वैल्यू करें. जो भी प्रभु ने आपको दिया, अगर आपको लगता है कि मैं वैल्यू कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड है, तो जरा उस चीज के बारे में सोचें कि अगर एक दिन के लिए वो आपसे अलग कर दी जाए तो क्या आप उसके बिना रह सकेंगे. वो चीजें भी हो सकती हैं, रिश्ते हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हो सकते हैं. सो जिन लोगों को, जिन चीजों को परमेश्वर ने आपको दिया है उन्हें वैल्यू करना सीखें और हर चीज में कंपैरिजंस मत किया करें. उसके पास ऐसा है, उसको ऐसा मिला, उसके लिए ऐसा हुआ. आपको जो मिला आपके लिए बेस्ट है. स्टार्ट एंजॉयिंग एंड वैल्यूइंग व्हाट यू हैव. एंड फिफ्थ, कि आप दूसरों को दें बजाय इसके कि आप एक्सपेक्ट करें मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई सराहता नहीं है, मेरे लिए ऐसा नहीं होता, मुझे ऐसा चाहिए. तो जो चीजें आप अपने लिए चाहते हैं उनको थोड़ा सा फ्लैट कर दें और जो चीजें आप चाहते हैं उनको आप दूसरों के लिए करना शुरू करें. दैट मीन्स गिव मोर एंड एक्सपेक्ट लेस. So these are those five things जो आप अपने जीवन में include कर सकते हैं and I'm sure आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी and you will definitely start seeing a positive change in your life. आप करके देखें और मुझे ज़रूर feedback दीजिए मेरे channel पर. Enjoy yourself. May God bless you very, very much.